धर्मशाला सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को सुनने से पहले मीडिया के साथ रूबरू हुए और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा जनमंच कार्यक्रम उनकी सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कार्यक्रम है और इसकी सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है। उन्होंने बताया कि उनको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो दो जनमंच कार्यक्रम कर पाए हैं और तीसरा जनमंच कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जनमंच कार्यक्रम के द्वारा लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज से पहले इस प्रकार के प्रयास नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि कांग्रेस आपकी सरकार पर आरोप लगा रही है कि मंत्री आपस में लड़ रहे हैं और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से ये सिद्ध नहीं होता है कि मंत्री आपस में लड़ रहे हैं और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आप में ही ऐसे दौर से गुजर रही है कि जहां वे आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पूरे प्रदेश में घूमे और जिस प्रोग्राम में वे जहां जहां गई कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लड़ाई नहीं हुई, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर उनके वहां लड़ाई है तो हर जगह लड़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको इस सारे दौर से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लड़ाई है लेकिन भाजपा में कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सारे मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार मजबूत है और मजबूती से सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, आप इस बात को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। जनमंच हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय एक कार्यक्रम जो है वो सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी हिमाचल प्रदेश में हम मात्र दो जनमंच के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में कर पाए हैं, तीसरा जनमंच कल है। लेकिन जिस प्रकार से एक नए तरीके से लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए वहीं पर समय पर ही निपटारा करने के लिए हमने मैकेनिज्म डेवलप किया है, आज से पहले इस प्रकार से बेहतर प्रयास नहीं हुआ। और जहां तक आप प्रशासन की बात कह रहे हैं, मुझे लगता कि हर वक्त हमको सख्त होकर के बोलना यह आवश्यक नहीं होता है। कुछ बातें प्यार से की हुई वो भी बहुत काम करती है। देखिए, कांग्रेस के आरोप से बातें तय नहीं होती, ना मंत्रियों में लड़ाई है और मुझे लगता है कि वो अपने आप ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं। हर जगह लड़ाई है, हर कार्यक्रम पिछले कुछ अरसे में हिमाचल प्रदेश में जहां पर उनकी प्रभारी घूमी और उस कार्यक्रम में जहां जहां भी गई कोई जगह ऐसी नहीं जहां लड़ाई नहीं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जहां जब उनके वहां पर लड़ाई हो रही है तो सब जगह ऐसी लड़ाई होती होगी, तो उनको उस सारे दौर से बाहर निकलना चाहिए। कांग्रेस में लड़ाई है, भाजपा में लड़ाई नहीं है, हम सब मिल करके चल रहे हैं, मजबूत सरकार है और सब मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं।